अतिक्रमण से सिकुड़ते मुख्य बाजार चंबा को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए पुलिस विभाग ने अनोखी पहल की है। डीएसपी मुख्यालय अभिमन्यु वर्मा की अगुवाई में पुलिस दल ने मुख्य बाजार में दबिश देकर अतिक्रमणकारियों के चालान करने के बजाय हाथ जोड़कर उनसे सहयोग मांगा। डीएसपी ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि वे दुकानों से बाहर सामान न सजाएं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस सहित अग्निशमन विभाग के वाहन भी मुख्य बाजार से होकर ही गुजरते हैं। ऐसे में अतिक्रमण के कारण वे भी कई बार जाम में फंस कर रह जाते हैं। डीएसपी ने कहा कि बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाने के मद्देनजर पुलिस द्वारा ये निरीक्षण किया गया है और व्यापारियों से विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी निरीक्षण के दौरान सड़कों पर सामान रखा पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो मुख्य रूप से जो समस्या है चंबा की, पुराना ऐतिहासिक टाउन है और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, टाउन की कैपेसिटी छोटी है और व्यापारी वर्ग भी यहाँ रहता है, पब्लिक ने भी शॉपिंग करने आना है, बच्चों के साथ आना, हॉस्पिटल यहीं है। इस कारण से जो है पार्किंग अपने आप में एक ट्रैफिक समस्या बनी हुई है, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि चालान ना करना पड़े। लेकिन फिर भी जब आम आदमी जिसने पैदल चलना है, जिसने एक की पार्किंग गलत पार्किंग से दूसरे को जो व्यवधान पैदा हो रहा है, एम्बुलेंस भी इसी रोड से जानी है, फायर ब्रिगेड इसी से जाना है, सभी कर्मचारी अधिकारी आम जन यहीं से जाना है, तो व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी। उसी के लिए आज आया था मार्केट में तो देखा बहुत सारी दुकानों ने अपना जो दुकान का स्पेस है आगे तक फैलाया हुआ है। उनसे रिक्वेस्ट भी की कि अपने दुकान का स्पेस पीछे को ले जाएं, जितना उनकी कैपेसिटी है और जितनी उनकी जगह है। उससे बाहर जब वो फैला देते हैं तो उसके बाहर फिर व्हीकल लग रहे हैं, तो ना तो और व्हीकल लगने के लिए जगह रह रही है और पैदल चलने वालों के लिए और अपने आप में समस्या पैदा हो रही है। इसलिए उनसे आग्रह किया गया सभी मार्केट में खुद जा करके कि अपने दुकान को ज़्यादा आगे तक ना फैलाएं, जितनी जगह है उतने में रखें, ताकि आम जो बाकी ग्राहक उनका आना है, जो उनके लिए देवता के समान होता है, उसके लिए स्पेस रहे, उसको चलने के लिए, उसको गाड़ी पार्क करने के लिए स्पेस रहे। तो ये एक लोगों को हिदायत भी दी गई है। दूसरा, चौगान नंबर 3 में जो फ्री पार्किंग एमसी की तरफ से चलाई गई है लोगों की सुविधा के लिए, उसको भी जायजा लिया गया। तो उसमें देखा गया कि बेतरतीब कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं, तो उसमें भी लोगों को हिदायत की है कि जो गाड़ियां लगे, कारें एक साइड को पार्क करें और टू व्हीलर्स ज़्यादा आ सकते हैं वो थोड़े कम स्पेस लेते हैं, तो उनको एक स्थान निर्धारित किया गया इस उस और लगाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर भी लाभान्वित हो पाएं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।